गुड आफ्टरनून बीबीए फिफ्थ सेम, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक सेपरेशन। ओके, सेपरेशन टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया था, वो लास्ट टॉपिक था उस यूनिट का। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की। इन द टॉपिक इज इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वॉट इज IHRM? ओके, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, इट इज मैनेजिंग एंड रिक्रूटिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली। मैनेजिंग एंड रिक्रूटिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल। ओके, दिस इज द मोस्ट सिंपल डेफिनेशन ऑफ IHRM, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड रिक्रूटिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी कंपनियां, ठीक है, ऐसी कंपनियां जो एक से दूसरे देश में, एक से ज़्यादा देश में ऑपरेट करती है, ठीक है, ऐसी कॉरपोरेशंस को अपन बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, ऑल दीज कंपनीज आर नोन एज MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, अब जो कंपनीज होती है उनकी ब्रांचेस अलग अलग देश में होती है, ठीक है, लेकिन उनका जो कंट्रोल होता है, ठीक है, उनका जो कंट्रोल होता है वो एक पर्टिकुलर देश के अंदर होता है। ठीक है, तो जितनी भी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है अलग अलग देशों के अलग अलग ब्रांचेस में, ठीक है, उसको मैनेज किस तरह से करना है, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों को मैनेज करना, उनको प्रबंधन करना, एंड इट इन्वॉल्व्स वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, विश्व स्तर पर लोगों का प्रबंधन इसके अंतर्गत आता है, विश्व स्तर पर लोगों का प्रबंधन करना। ठीक है, इट इंक्लूड्स स्ट्रेटजीज पॉलिसीज प्रैक्टिसेस व्हिच फर्म्स परस्यू इन रिस्पॉन्स ऑफ द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस। ओके, इसके अंदर वो सारी रणनीतियाँ आती है, वो सारी नीतियाँ आती है, वो सारी पॉलिसीज आती हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस आती है जो कि किसी भी व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और उसमें काम करने वाले लोगों को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द पीपल बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, और किसको भी करते हैं, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका मैनेजमेंट होता है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।